गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड से पेराबोला कैसे बनाते हैं। तो याद रखें दोस्तों, पेराबोला बनाने के लिए एक्सेंट्रिसिटी हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, मैं फिर से याद दिला दूं, एक्सेंट्रिसिटी ई अगर 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो कर्व नेम ऑफ कर्व आएगा इलिप्स। और एक्सेंट्रिसिटी ई 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो नेम ऑफ कर्व आएगा हाइपरबोला। लेकिन जब एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है तब कर्व मिलता है पैराबोला। मानो के एक्सेंट्रिसिटी Vf/Vc 1 दी गई है और फोकस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस पहले के प्रॉब्लम की तरह 60 दिया हुआ। कितना आएगा? 30 आएगा। और यह डायरेक्ट्रिक्स है 60 है, तो 10 10 मिलीमीटर के हमें 5 6 पॉइंट लेने हैं, ज्यादा पॉइंट नहीं लेने हैं। ठीक है, तो A1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, ज्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 पॉइंट में आपको परफेक्ट पैराबोला मिल जाएगा। और अभी क्या करेंगे, वी से एफ का रेडियस लेते हुए एक आर्क लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में। तो इसको सी नाम देंगे, ये पॉइंट को ए नाम देंगे और एक सी ए को ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, फिर 1 में से जैसे पहले के प्रॉब्लम के तरह हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे। फिर 2 में से परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो मेथड तो से सेम होती है फोकस डायरेक्ट्रिक्स की, खाली फर्क कितना होता है, एक्सेंट्रिसिटी का फर्क होता है। मेथड सारे सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम 1 डेज नाम देंगे इधर, 2 डेज नाम देंगे, 3 डेज नाम देंगे, 4 डेज नाम देंगे, 5 डेज और 6 डेज। अभी क्या करना है दोस्तों, मालूम है ना? अभी 1 1 डेज को रेडियस लेना है आपको और एफ को सेंटर लेना है। देखिए, ये 1 से 1 डेज तक का रेडियस लेने जा रहे हैं। ये 1 से 1 डेज का रेडियस लिया, एफ को सेंटर लिया, और 1 1 डेज वाली लाइन पे 2 छोटे आर्क, ये 2 छोटे आर्क बना दिए, जिससे कि पॉइंट P1 मिलेगा। अभी 2 2 डेज उसके बाद में रहेगा रेडियस, ये P1, ये P1। ठीक है, अभी 2 2 डेज हम डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, और एफ को सेंटर लेंगे तो 2 डेज खुद ही पॉइंट अभी नहीं है, माने नीचे आएगा। ठीक है, 2 डेज से थोड़ा नीचे, लेकिन 3 डेज खुद पॉइंट है इलिप्स, ये पैराबोला का। ठीक है, तो 3 3 डेज अभी रेडियस लेंगे। तो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर आपको मालूम है। अभी ये 4 4 डेज रेडियस लेंगे और ये आर्क लगाएंगे, सेम वे 5 5 डेज, 6 6 डेज। ठीक है, और कर्व आपको बनाना जानते हो, फ्रेंच कर्व का कैसे यूज करेंगे। ये 6 6 डेज और एफ को सेंटर लेते हुए ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। अभी आपको पार्ट में मतलब एक साथ पॉइंट ना आए तो आपको धीरे धीरे करके P1 P1 को जोड़ना चाहिए। यहाँ P2 भी आ रहा है, P3 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दो, P2 तक ज्वाइन कर दो, जहाँ पे पॉइंट आ रहा है जहाँ तक उतना आप ज्वाइन कर दो। यहाँ P3 P4 P5 P6 सभी आ रहे हैं, तो सभी को जोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो यह कर्व बन गया आपका। अगर पॉइंट परफेक्ट है तो सारे पॉइंट आ ही जाएंगे, अगर कुछ पॉइंट में गड़बड़ी है तभी जाके आपको पार्ट में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारा कर्व रेडी है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी भेजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।